सारे भैया ने मेरी राम राम। अभी मैं मेटा जी के जो कज़न ब्रदर हैं उनके पास आया हूँ और उनसे बात करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी आज मेटा जी की टिकट फाइनल हुई है बीजेपी से, मुबारक हो आपको। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो सर, अभी आपकी क्या रणनीति रही? हमारी रणनीति सबसे पहले तो ये है, पहले तो हम सभी नगरवासियों को बधाई देना चाहते हैं कि उन सब ने हमारा साथ दिया। हाँ जी, हाँ जी, हर जगह जहाँ हमें उनकी ज़रूरत थी हमारे साथ खड़े रहे, टिकट दिलाने में हर जगह हमारी मदद की। आज हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे ताऊजी डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी की जाने के बाद बीजेपी ने हमें पूरा भरपूर भरोसा दिलाया था और आज उन्होंने हमारे भाई डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को टिकट दी है। सबको हम बधाई देते हैं और हमारी रणनीति आगे ये रहेगी कि जींद जिले की हमें सेवा करनी है। हम सबसे जाकर मिलेंगे, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि वो हमें वोट दें। जो लोग नाराज हुए हैं उन सबको पास, हाँ, जो लोग हमसे नाराज हुए हैं, जैसे कि हमने नेहलो छोड़ी या बीजेपी में कुछ लोग भाई हमारे, अगर कोई भी हमसे नाराज है, सबको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे हमारी यही रहेगी कि हम हाथ से हाथ मिलाकर उनसे, कंधे से कंधा मिलाकर चलें और सबको मनाएंगे और अपने साथ लेकर चलेंगे। तो अभी जैसे बात चल रही थी, टेकराम जी हैं या बलजीत और जो हैं, जो नाराज हो गए दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, तो इस बात का नुकसान तो होगा या जाएंगे नहीं, वो क्या लगता है? नहीं, हमें नहीं लगता कि वो जाएंगे। वो सब पुराने कार्यकर्ता हैं और बीजेपी एक देश की बहुत बड़ी पार्टी है और इनके साथ जुड़े रहेंगे वो, और वो भी हम सब के साथ मिलकर सहयोग करेंगे और हमारा साथ देंगे बिल्कुल। तो क्या लगता है जीत के आसार कितने हैं? जीत के आसार बिल्कुल पक्के हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, कोई संशय, कोई दोराहे नहीं है। जीत बीजेपी की है, जीत डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा की होगी और ये बिल्कुल पक्का है। 36 बिरादरी साथ है जी? आप 36 बिरादरी, 36 गांव सब हमारे साथ हैं बिल्कुल। इसमें कोई जात पात वाला बहुत ही नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद जी। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि सभी भाईचारे को साथ लेके चलेंगे, जो नाराज है उनको भी मनाएंगे और जो अदर पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ भी सामंजस्य बना के ही रहेंगे। बाकी कॉम्पिटिशन कुछ ज़्यादा सा नहीं लगता, अभी देखते हैं 28 तारीख को क्या रहता है। धन्यवाद, राम राम।